नमस्कार दोस्तों, सावन के महीने में करें ये उपाय, नहीं रहेगी पैसों की कमी। दोस्तों, पुरानी कथाओं में वर्णन आता है कि सावन के महीने में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मथने के बाद जो हलाहल विष निकला था, उसे भगवान शंकर जी ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की थी। लेकिन विष पान से महादेव जी का कंठ नीलवर्ण हो गया था, इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, किसी चीज की कमी नहीं रहती, धन की आवक बढ़ जाती है, पैसों की कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि और मन चाहा वरदान हासिल होता है। सावन मास की ये खास वजह इसलिए है क्योंकि जो समुद्र मंथन हुआ था वो सावन के महीने में हुआ था। तो इसी तरह की नई नई जानकारी हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की नई जानकारी मैं लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।